हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू अजय विद्यागन यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अगर आप भी नवोदय विद्यालय क्लास 9th का कल पेपर देकर आए थे 11 फरवरी को, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो 11 फरवरी को पेपर हुआ है, काफ़ी बच्चों का अच्छा हुआ है, काफ़ी बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है, पर सभी को ये जानना है कि कितने नंबर वाले बच्चे पास हो जाएंगे। तो अगर आप भी पेपर देकर आए हो, इस वीडियो को आप पूरा देखिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपने ये जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए थे, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं कि आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है इस बार 2023 के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले कट ऑफ मार्क्स देखने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपको गूगल पर जाकर लिखना है अजय, उसके बाद आपको लिखना है विद्याज्ञान। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, उस तरीके से आपको लिख लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अजय विद्याज्ञान लिखा सिंपली, और लिखने के बाद इसको आपको सर्च कर देना है गूगल में जाकर। जैसे यहाँ पर आप इसको सर्च करोगे तो गूगल में पहले नंबर पर कुछ इस तरीके से वेबसाइट आएगी। यहाँ पर लिखा रहेगा होम अजय विद्याज्ञान। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, देख लीजिए। यहाँ पर होम अजय विद्याज्ञान लिखा रहेगा इस तरीके से। इस वाली वेबसाइट पर टच करके क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है। तो मैं जैसे ही इस पर टच किया, क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर लिखा रहेगा अजय विद्याज्ञान, इस तरीके से लिखा रहेगा। ओके, तो क्या करना है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा नीचे जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉक्स दिखाई देंगे, पर यहाँ पर आपको एक ब्लैक बॉक्स दिखेगा। यहाँ पर लिखा है नवोदय विद्यालय 9th कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो इस वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक आप जैसे करोगे, आगे ही अगले इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। यहाँ पर कट ऑफ को लेकर बहुत कुछ लिखा रहेगा, कैसे क्या कट ऑफ बनता है, किस तरीके से बनता है, कैटेगरीज वाइज सारी की सारी चीज़ें आपको लिखी रहेंगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा JNB क्लास 9th कट ऑफ मार्क्स मेरिट लिस्ट, ऐसे करके लिखा रहेगा। ओके, तो देखो मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, इस वेबसाइट पर खुद जाके देखो। तो वेबसाइट पर आप खुद जाओगे, अपनी आंखों से देखोगे, खुद देखोगे, अपनी कैटेगरी देखोगे। अभी आपको वीडियो में अच्छे से नहीं दिखेगा, नहीं समझ पाओगे। जब आप खुद यहाँ पर जाओगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट आता है, ये लिखा है नवोदय विद्यालय 9th एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी कि जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है, संभावित है, ठीक है, लगभग इतना ही जाएगा इस बार भी। तो देखो, ध्यान दो मेरी बात को, ये जो कट ऑफ है ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बनाया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर कैटेगरी रखी गई है, उसके बाद रूरल एरिया जो ग्रामीण एरियाज हैं, अर्बन एरिया जो शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं। ऑलराइट, तो देखो यहाँ कैटेगरीज वाइज है। यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। यहाँ पर पहले नंबर बॉक्स में कैटेगरी, उसके बाद रूरल एरिया, फिर अर्बन एरिया, इस तरीके से बनाया गया। तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी का देखेंगे कट ऑफ कितना जाने वाला है, 82 से लेकर 88 के बीच में जो ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं उनका जाने वाला है। ओके, तो 85 से लेकर 90 के बीच में जो शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं उनका इतना जाने वाला है। उसके बाद EWS की बात करूँ, जो ग्रामीण से ग्रामीण के रहने वाले हैं, EWS की बात करूँ, EWS कैटेगरी की जो ग्रामीण के रहने वाले हैं उनको 80 से 85। उसके बाद अर्बन एरिया यानी कि शहर में जो रहने वाले हैं, 82 से लेकर 86 मार्क्स उनको लाने होंगे परीक्षा पास करने के लिए। और मेरी बात को ध्यान दो, इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दो और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो नवोदय विद्यालय क्लास 9th का पेपर देकर आए हैं। ओके, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आपके कितने नंबर आए, ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और OBC कैटेगरी वाले, ये देखो आपको 78 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स लेकर आने हैं। खुश मत हो, अर्बन एरिया, ये ग्रामीण एरिया का मैं बता रहा हूँ, इतना कम, ठीक है। अर्बन एरिया का ज़्यादा जाता है 80 से लेकर 84, और ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये OBC का हो गया। उसके बाद SC की बात करूँ, SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में 74 से लेकर 80 मार्क्स लाने होंगे ग्रामीण एरिया के लिए, और 77 से लेकर 82 मार्क्स शहरी वाले बच्चों के लिए। लास्ट हमारी कैटेगरी बची है ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी के 70 से लेकर 73 मार्क्स आने चाहिए। सबसे जो लोएस्ट मार्क्स आने चाहिए, जो सबसे ज़्यादा छूट मिलती है, ST कैटेगरी के लिए मिलती है, और ग्रामीण एरिया के लिए 75 से लेकर 78 मार्क्स आने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर की भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वेबसाइट पर डाला गया है सब कुछ। आप हमारी वेबसाइट अजय विद्यागन पर जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हो। जल्दी जाओ, अपने मार्क्स इस वीडियो के नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, और अगर आप बोलोगे कि भैया और वीडियो बनाओ, तो मैं और वीडियो भी बना दूंगा, बस आपको वेट करना है, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।